महंगाई से घर की थाली का स्वाद बिगड़ने लगा है। आटा और मैदे के साथ हरी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। इसमें आलू से लेकर टमाटर जैसी प्रमुख सब्जियां शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से होलसेल में आटा करीब 2 और खुरदरा में 5 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ है। वहीं मैदा के दाम में भी 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फतेहगंज के गल्ला कारोबारी अमित अग्रवाल ने बताया, एक महीने पहले तक आटा 26 रुपए प्रति किलो था, अब इसका दाम करीब 27.50 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। वहीं लोकल में यह आटा 32 से 35 रुपए किलो तक बिक रहा है। मैदा 27 रुपए से 29 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब लोकल में 35 रुपए तक बिक रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रेट लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन रहेगा, ऐसे में इसके रेट और भी बढ़ने तय हैं। वहीं आलू भी महंगा हो गया है। 20 रुपए किलो बिकने वाला आलू अब 35 रुपए किलो हो गया है। इसके अलावा आम सब्जियों पर भी असर पड़ा है। नींबू से लेकर पुदीना तक और कद्दू सब कुछ महंगा हुआ है। बारिश ज्यादा होने की वजह से कई राज्यों से आने वाली सब्जियां भी कम हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।